उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अलकायदा के आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। अलकायदा के इन आतंकियों से पूछताछ में नए नए खुलासे हो रहे हैं। UPATS को आतंकियों के पास से कई प्रमुख शहरों के नक्शे भी बरामद हुए हैं। इसमें अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि और राम मंदिर के आसपास की रेकी के नक्शे भी आतंकियों के पास से मिले हैं। इसके अलावा काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के नक्शे भी ATS को आतंकियों के पास से मिले हैं। इन नक्शों में अलग अलग पॉइंट से चिन्हित किया गया है। टेलीग्राम, वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल की चैटिंग भी ATS के हाथ लगी है, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। ATS ने बीते 24 घंटों में 10 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। यूपी के अलग अलग शहरों में ATS की छापेमारी का दौर जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती जांच के दौरान पता चला है कि बम बनाने में माचिस की तीलियों के बारूद का इस्तेमाल किया गया था। गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों का अक्सर कानपुर आना जाना रहता था। दोनों ने कानपुर से हाल ही में एक मोबाइल खरीदा था और नई सड़क इलाके में रहने वाले अपने साथी के साथ मीटिंग भी की थी। उस मीटिंग के बाद कानपुर वाले इनके साथी ने कानपुर में ही कई लोगों से मिनहाज और मुशीर की मीटिंग कराई थी। नेटवर्क में और लोगों को जोड़ने के मकसद से ये मीटिंग कराई गई थी। लखनऊ के काकोरी से दो आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद ATS ने कानपुर से 4 और संभल से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ATS इस मामले में कई जिलों में छापेमारी कर रही है। अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दावा किया कि यूपी पुलिस के पास दोनों आतंकियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। ATS उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। ATS की हमारी टीम ने अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं, उनका नाम है मिनहाज, मसीरुद्दीन व शकील। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बन आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। बता दें कि लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों की मानव बम के जरिए धमाके की साजिश थी। आतंकी 15 अगस्त के आसपास धमाका करने की फिराक में थे। दोनों आतंकी सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। गिरफ्तार किए गए आतंकियों के नाम मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन हैं। अलकायदा का ये मानव बम मॉड्यूल था। दोनों आतंकी अंसार गजवातुल हिंद ग्रुप से जुड़े थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जरूर फॉलो करें।